गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी रीड चैप्टर फिफ्थ अवर नर्वस सिस्टम पेज नंबर फोर्टी फोर पार्ट टू टॉपिक द दैरिब्लम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन ब्लो द सैरिब्रम जो सैरिब्लम पार्ट होता है वो सैरिब्रम के ठीक नीचे स्थित होता है जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं ये देखिए जो सेरिब्लम पार्ट है ये सेरिब्रम पार्ट के ठीक नीचे स्थित है ओके इट कंट्रोल्स बैलेंस मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन यह हमारी मांसपेशियों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है जो सामंजस्य होता है उसको हमारी बॉडी के मूवमेंट को हमारी बॉडी के बैलेंस या संतुलन को सभी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है इट इज़ बिकॉज ऑफ सेरिब्लम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस यह एक मात्र ऐसा पार्ट है सेरिब्लम जो कि हमें सीधा खड़ा रखता है हम इसके द्वारा ही चारों तरफ घूम पाते हैं मूव कर पाते हैं और इसी के द्वारा हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है जो हमारा बैलेंस है संतुलन है वो मेंटेन रहता है नेक्स्ट ब्रेन स्टेम द ब्रेन स्टेम ऑल्सो नोन एज मेड्यूला ब्रेन स्टेम को मैड्यूला भी कहते हैं लाइज बीनीथ द सैरिब्लम यह सैरीब्लम के नीचे स्थित होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड यह सैरिब्लम के निचिल निचले वाले हिस्से से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक जुड़ा हुआ होता है इट कंट्रोल्स वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक ब्रीथिंग डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन यह हमारी कई गतिविधियों को नियंत्रित करके रखता है जैसे कि सांस लेना हमारी पाचन क्रिया और हमारे रक्त का जो प्रवाह है उन सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है ऑल इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम अवर बॉडी पासिस थ्रू द मेड्यूला ऑन द वे टू और फ्रॉम द ब्रेन यह हमारे दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन्स को बॉडी तक पहुंचाता है और बॉडी से सारी इन्फॉर्मेशंस को हमारे माइंड तक पहुंचाने का काम करता है यह हमारे बॉडी और माइंड के बीच में एक रास्ते की तरह है नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेड्यूला यह तंत्रिकाओं का स्पाइनल कॉर्ड जो है एक लंबी मजबूत और तंत्रिकाओं के समूह से बनी हुई है जो कि मेड्यूला जिसे हम सेब्लम भी कहते हैं सैरीब्लम से कनेक्ट रहती है इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बॉनी बर्टिब्रल कॉलम यह चारों तरफ से वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा प्रोटेक्टेड रहती है आप देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड बीच में है डायग्राम में और उस स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या हैं बर्टीब्रल कॉलम्स हैं हाउ एवर द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई बर्टिब्रल कॉलम की लंबाई से बहुत ही कम होती है इट ट्रांसफर्स इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी थ्रू नर्व्स यह हमारे दिमाग और हमारे शरीर के सभी भागों से निकली हुई सूचनाओं को तंत्रिकाओं के माध्यम से पहुंचाती है यदि दिमाग से हमारी शरीर के सभी अंगों तक और शरीर के सभी अंगों से दिमाग तक सूचनाओं के आदान प्रदान का काम स्पाइनल कॉर्ड करती है तंत्रिकाओं के माध्यम से नेक्स्ट है नर्व्स नर्व्स मीन्स तंत्रिका नर्व्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी जो तंत्रिकाएं होती हैं वह सूचनाओं का एक ऐसा जाल होती हैं जो हमारे शरीर के सभी भागों तक सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं दे ट्रांसफ़र मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन सो दैट इट कैन फंक्शन एफिशिएंटली। यह दिमाग से सारे संदेशों को शरीर तक और शरीर से सारे संदेशों को दिमाग तक पहुंचाने का काम करती हैं इसीलिए इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है देर आर थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स तीन तरह की तीन प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं सेंसरी मोटर एंड मिक्स्ड पेज नंबर फोर्टी फाइव फर्स्ट है sensory, सेंसरी नर्व्स संवेदी तंत्रिका सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन सेंसरी नर्व्स यह संवेदी तंत्रिकाएं ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो संदेशों को हमारे सेंस ऑर्गन संवेदी अंगों से होते हुए दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं मोटर नर्व्स क्या होती हैं मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो मोटर नर्व्स होती हैं वो संदेशों को हमारे दिमाग से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं मिक्स्ड नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं वो संदेशों को दिमाग से सभी जगह पहुंचाने का कार्य करती हैं और बॉडी के सभी पार्ट्स से दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं एक्शंस ऑफ द बॉडी अब हमें शरीर के कार्य बताए गए हैं इन डेली लाइफ अवर बॉडी परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट एक्शंस रोज के जीवन में हमारा जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है दीस कैन बी कैटेगराइज इन टू टू मेन टाइप्स इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है वॉलेंट्री एक्शंस एंड इन वॉलेंट्री एक्शंस इट मीन्स ऐच्छिक कार्य और अनैच्छिक कार्य ऐच्छिक कार्य का मतलब होता है ऐसे कार्य जिन्हें हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं और अनैच्छिक कार्य मीन्स होता है ऐसे कार्य जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होते वह स्वतः ही होते हैं टॉपिक पढ़ेंगे वॉलेंट्री एक्शंस अ वॉलेंट्री एक्शंस इज एनी एक्शन दैट वी डू आउट ऑफ अवर विल और वी डू इट कॉन्सियसली ऐसे कार्य जिन्हें हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं उन्हें हम ऐच्छिक कार्य या वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं फॉर एक्जाम्पल वैन वी फील हंग्री वी पिक अप अ फ्रूट एंड ईट इट यदि हमें भूख लगी है तो जब हमें भूख लगती है तो हम अपने इच्छा से फलों को उठाते हैं और खा लेते हैं ये हो गया वॉलेंट्री एक्शन सेकेंड है इन वॉलेंट्री एक्शन इन वॉलेंट्री एक्शन इन वॉलेंट्री एक्शन इज एनी एक्शन विच अकर्स विदाउट अवर कॉन्सियस चॉइस और विल ऐसे कार्य जो हमारी इच्छा से नहीं होते हैं और स्वतः ही होते हैं उन्हें हम इन वॉलेंट्री या अनैच्छिक कार्य कहते हैं फॉर एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ द हार्ट जैसे कि हृदय का धड़कना आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आपका हृदय कहता है कि आज हमको नहीं धड़कना है हम कल धड़क लेंगे आज हम थक गए हैं ऐसा कभी सुना है आपने नो नेवर यदि हमारी धड़कन एक मिनट के लिए भी रुक गई सो वी आर डाई हम मर जाएंगे ओके okay? तो बीटिंग ऑफ द हार्ट हमारे हृदय का धड़कना ये एक इन्वॉलेंट्री एक्शन है

इट इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन इसे हम ऑटोमेटिक एक्शन भी कहते हैं मतलब स्वतः होने वाला फॉर एग्ज़ाम्पल यू स्नीज नीज़ डस्ट पार्टिकल्स और सम अदर पार्टिकल्स लाइक चिली पाउडर एंटर योर नोज़ आपने देखा होगा कि आपकी नोज़ में जैसे ही चिली पाउडर एंटर करता है तो आपको सडनली छींक आ जाती है अपने आप ही आ जाती है आप सोचते नहीं हैं कि ये हमारे अंदर जा रही है तो हमें छींकना है ऐसा नहीं है वो सडनली ऑटोमेटिक रिएक्शन है तो ये जो एक्शन होता है इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन आर द रिज़ल्ट ऑफ मैसेजेस सेंड टू एंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड यह एक ऐसा यह एक रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक एक्शन है जिसमें तुरंत ही सूचनाएं हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं और तुरंत हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो फोर्स है उसके थ्रू परिणाम निकल के बाहर आ जाता है हमारी बॉडी तुरंत ही एक्शन कर लेती है उसके अगेंस्ट ओके